होने बाबत हमको इंफॉर्मेशन थी, जिसके तहत जोन 6 के दो पुलिस स्टेशन तिलक नगर ट्रॉम्बे और जोनल ऑफिस के दो ऑफिसर, ऐसे पांच ऑफिसर्स की हमने एक टीम बनाई, जिसमें पीएसआई नानेकर, पीएसआई गोल्लार, पीएसआई देशमुख, एपीआई काटकर और पीएसआई बाबर, ये पांच ऑफिसर इसके ऊपर काम करना शुरू किए। और इसमें हमें एक सस्पिशियस आदमी मिला जिसका नाम था चेतन संजय माली, जो 26 इयर्स का है। उसको हमने हिरासत में लिया, उसको सर्च किया तो उसमें हमको उसके बैग में चार वेपन, चार फायरआर्म्स और उसके साथ में आठ लाइव बुलेट्स मिले। उसको हम हिरासत में लेते हुए अरेस्ट करके 3/5/25 आमसैक के तहत हमने मामला दर्ज किया, जिसमें हमने उनका 17 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड लिया। उसके तहकीकात में और टेक्निकल एनालिसिस में और एक नाम सामने आया जिसका नाम था सिनू नरसैया पड़गेला, उसको भी हमने अरेस्ट किया। दोनों जो एक्यूज्ड है उनके तरफ से अब तक हमने 8 फायरआर्म्स और 15 लाइव बुलेट्स उनसे हमने सीज किया है और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन डायनामिक स्टेज में है, जिसमें अब तक 2 एक्यूज्ड अरेस्ट हुए। हमारी प्रायोरिटी थी इसमें दोनों एक्यूज की तरफ से अब तक ज्यादा से ज्यादा वेपन जो उनको मालूम है और उन्होंने रखे हैं उनको हिरासत में लेना। तो आज तक, आज सुबह भी हमारी कुछ इसमें इसके बारे में सीजर हुआ है, तो ये डायनामिक स्टेज में है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें सीजर और इन्वेस्टिगेशन दोनों बातें अभी चल रही है। जी, इसके बारे में भी तफ्तीश चल रही है, जिसमें चेतन माली करके जो कल्याण का रहने वाला है, लेकिन वो जो उसका नेटिव प्लेस है वो जलगांव डिस्ट्रिक्ट का है, वो एक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दूसरा जो एक्यूज है वो जो नेटिव उसका हैदराबाद तेलंगाना साइड से है, लेकिन जहाँ पे वो बोरीवली इलाके में रहता था, तो उसके बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं कि वो कहाँ से लाए और कहाँ देने वाले। इसमें से एक एक्यूज जो है सीनू पड़गेला, उसके ऊपर एक केस दर्ज है जो बड़ी ऑफेंस है। जी, मुंबई का है। साई ऑप्टिक्शन, कॉन्टेक्ट लेंस एंड कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग, आई केयर फॉर ऑल टाइप्स। कॉल नाउ, सेल कॉलोनी रोड, चेंबूर, मुंबई